प्रियंका और अंकित के रिश्ते को लेकर आया है ये बड़ा मूड। प्रियंका और अंकित के रिश्ते को लेकर एस्ट्रोलॉजर ने कही है बड़ी बात, और साथ ही साथ प्रियंका ही नहीं, सिर्फ प्रियंका अंकित को लेकर ही नहीं बल्कि टीना को, अर्चना को और सुम्बुल को लेकर भी एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी बातें कही हैं। और साथ ही साथ क्या सलाह और क्या मशवरा दी है उन्होंने प्रियंका को, कि क्या क्या सलाह और क्या मशवरा दिया है एस्ट्रोलॉजर ने प्रियंका को, एस्ट्रोलॉजर यानी कि शौर्य शर्मा जो बिग बॉस के घर में आए, उन्होंने क्या सीख दी है प्रियंका को, जिस पर प्रियंका कहती है कि आपने तो मेरे को टेंशन में डाल दिया। आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांदू, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट। जिस तरीके से अभी तक प्रियंका चवार चौधरी का गेम चला है, तो लोग उनको एक चीज या एक ताना हमेशा मारते हैं कि अंकित के सहारे तू यहाँ तक आ गई, तेरे को बाहर से कोई मिला था बिग बॉस के घर में लेके आने को, तो तेरे पास एक कंधा था जिसके ऊपर तू रो रही थी और अपना सारा ब्लेम डालकर बिग बॉस के घर में चल रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें टीना दत्ता की, तो टीना दत्ता को जब से सलमान खान ने वीकेंड के बार पर एक्सपोज किया है, तब से टीना दत्ता का गेम प्लान जो है बहुत खत्म सा होता दिख रहा है। वहीं टीना दत्ता के फ्रेंड की बात करें शालीन भनोट की, तो शालीन भनोट का गेम तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। ये तो कल के एपिसोड में खुद टीना दत्ता ने एक्सपोज कर दिया कि ये मुझसे बाहर मिलना चाहता था और ये सारी बातें। और उसके बाद अर्चना जो है, अर्चना के बारे में भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें की हैं, खुलासे किए हैं। और अर्चना की गेम प्लान की अगर बात करें, तो अर्चना बिग बॉस के घर में बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही हैं और शायद बिग बॉस के टॉप 5 में से एक कंटेस्टेंट अर्चना गौतम भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का अर्चना का गेम अभी तक चल रहा है, ये चीज़ें बहुत अटकने लगाई जा रही है कि अर्चना जो है वो हमको टॉप 5 में देखने को मिल सकती हैं। तो एस्ट्रोलॉजर आए थे बिग बॉस के घर में, शौर्य शर्मा जो है वो, और उन्होंने पहले टीना दत्ता को बोला कि टीना दत्ता आपने एक ब्लॉकबस्टर दिया, उसके बाद आप गायब हो गई, क्या वजह है? आप में एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा सा खुद को बेहतर कर लेंगी तो आप जंगल में भी खुद का घर बना सकती हैं, बंगला बना सकती हैं, वो आप में पावर है। और दूसरी तरफ उन्होंने अर्चना को बोला कि अर्चना आपका, आपके ऊपर जो है वो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो बिग बॉस के घर में किसी के पास नहीं, आपका एक प्लस पॉइंट है जो बिग बॉस के घर में किसी के पास नहीं, आपकी जबान काली है। और साथ ही साथ बोला कि 2026 तक आपका जो सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और बात शालीन की करें, तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शालीन पर जो है 7.5 लग चुकी है। और वहीं प्रियंका को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि प्रियंका और अंकित का रिश्ता, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और इस रिश्ते का जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझको क्यों फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है, आप दोनों बेहतर ये होगा कि अभी अलग हो जाएं और अपने अपने रास्ते चले, अपना अपना पार्ट देख लें। जिसके बाद प्रियंका कहती है कि आपने तो हमको टेंशन में डाल दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है, जब अंकित ये न्यूज़ सुनेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और इस बारे में आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।